हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कभी कभार आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं एग्जाम में और आपसे कहा जाता है कि इनको असर्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दिए जाते हैं स्पेशली दो टाइप के होंगे, वो या तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के होंगे, और फर्स्ट टाइप में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस जो या तो प्राइमरी एक्सिलरी से शुरू होंगे, अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे वर्ड से शुरू होते हैं, या यूं कह लो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या तो वो मॉडल एक्सिलरी से सेंटेंस शुरू हुए होंगे, जैसे आप कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, ऐसे वर्ड से सेंटेंस जो शुरू होते हैं वो कहलाते हैं मॉडल एक्सिलरी से शुरू होने वाले वर्ड। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, या तो वो मॉडल एक्सिलरी से शुरू होंगे या प्राइमरी एक्सिलरी से शुरू होंगे। और दूसरे तरह के सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, या यूं कह लो इनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में भी आ सकता है, और ऐसे सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। तो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मिलते हैं देखने को, और ऐसे सेंटेंसेस को हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है। तो असर्टिव में कन्वर्ट करना होता, असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं और निगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं और निगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं असर्टिव के अंतर्गत। तो हम शुरू करें टॉपिक, उससे पहले यहां पे कुछ वर्ड दे दिए गए हैं, इनको आप माइंड कर लेना, क्योंकि इन वर्ड से आपको काफी मदद मिलने वाली है ट्रांसफॉर्मिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंटू असर्टिव सेंटेंसेस में। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे, क्योंकि अगर मॉडल एक्सिलरी से या प्राइमरी एक्सिलरी से सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, वो इजिली आप असर्टिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना होता। तो यहां पर कुछ वर्ड दिए गए हैं हाउ, तो जब हाउ दिया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हाउ को आपको रिमूव करना है, उसकी प्लेस पे कुछ ऐड नहीं करना। लेकिन अगर सेंटेंस में व्हेन दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो जब उसको आप असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको व्हेन की प्लेस पे नेवर करना होता है। और फिर आपको व्हाट अगर दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो व्हाट की प्लेस पे या तो आपको नथिंग ऐड करना होता है या तो एवरीथिंग। और ये आप क्लियर करेंगे जब एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे, तब बेटर ढंग से समझ पाएंगे कि कब नथिंग में कन्वर्ट होता है व्हाट, और कब एवरीथिंग में कन्वर्ट किया जाता है उसको, और हु को आप एवरीवन में भी कन्वर्ट करते हैं, एवरीबॉडी में भी कन्वर्ट करते हैं, नन में भी कन्वर्ट करते हैं, और नोबॉडी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा आप माइंड रखिएगा, चीजें इजिली आप कन्वर्ट कर पाएंगे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो जैसा कि हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहले टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो या तो मॉडल एक्सिलरी से शुरू होते हैं और या प्राइमरी एक्सिलरी से शुरू होते हैं। तो यहां पर जो पहले दो एग्जांपल दिए गए हैं ये ऐसे ही फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव से रिलेटेड एग्जांपल दिए गए हैं, इनको हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव है, तो जब उसको असर्टिव में आप कन्वर्ट करेंगे तो निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दिया हुआ निगेटिव में है तो जब उसको आप असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप पॉजिटिव में अर्थात अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है इज मैन इमॉर्टल। तो आप देख पा रहे हैं कि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो उसमें भी फर्स्ट टाइप का, और यह सेंटेंस आपकी प्राइमरी एक्सिलरी से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। तो जब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, तो पहले यह देखना होगा कि दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में। अगर दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ अफर्मेटिव है, तो उसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस निगेटिव में है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है, तो उसको हम अफर्मेटिव में, या यूं कह लो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव का
अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो जब इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसको निगेटिव में हमें कन्वर्ट करना होगा। सेंटेंस दिया है इज मैन इमॉर्टल, क्या मानव, क्या इंसान अमर है, मतलब मैन इज नॉट इमॉर्टल। जवाब क्या होगा कि चाहे आप यह कह लो क्या मानव अमर है, जवाब मिलेगा ना, मानव अमर नहीं है, मानव नश्वर है। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में, तो दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस पाते हैं आपकी अफर्मेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो जब इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैन इज नॉट मॉर्टल। यह सेंटेंस जब कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैन इज नॉट, मैन इज नॉट इमॉर्टल। मैन इज नॉट इमॉर्टल, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस आपका असर्टिव में कन्वर्ट हो गया। और आपको बताया गया कि असर्टिव के सेंटेंस अफर्मेटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, तो यह चेंज असर्टिव में हुआ है, यद्यपि यह असर्टिव के अफर्मेटिव में ना होकर के निगेटिव में हुआ। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका निगेटिव सेंटेंस दिया होता, इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या होता, निगेटिव, तो असर्टिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता। इसीलिए इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता। तो यहां पर दिया गया सेंटेंस निगेटिव में चेंज कर दिया गया, असर्टिव का सेंटेंस निगेटिव के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है। और अगर दोनों सेंटेंसेस के भाव हम देखते हैं तो पाते हैं दोनों सेंटेंसेस के भाव सेम है, बस सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा करने में दिए गए सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित हैं, या यूं कह लो कि दिए गए सेंटेंस के भाव बदलने नहीं पाए हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, कैन अ मैन चेंज हिज स्किन, कैन अ मैन चेंज हिज स्किन। तो यहां भी हम पाते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस आपका मॉडल ऑक्सिलरीज से शुरू हुआ है और दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो जब इसको हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे निगेटिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो निगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है असर्टिव में। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव में है या पॉजिटिव में है तो असर्टिव का सेंटेंस आप निगेटिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे, या असर्टिव का सेंटेंस आप निगेटिव में बनाएंगे। तो ऊपर दिए गए दोनों इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हम पाते हैं कि अफर्मेटिव में हैं, इसलिए ऊपर दोनों एग्जाम्पल में दिए गए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको जब असर्टिव में कन्वर्ट किया गया है तो निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, क्वेश्चन में था कि क्या एक इंसान अपनी स्किन तब्दील कर सकता है, तो जवाब क्या मिला कि अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, इंसान अपनी स्किन तब्दील नहीं कर सकता, स्किन बदल नहीं सकता। जैसे कोई इंसान काला है तो वो रहेगा काला ही, वो गोरा नहीं हो सकता, कितना भी उपाय क्यों ना कर ले, 19-20 तो हो सकता है लेकिन ज्यादा अंतर आने वाला नहीं। अब हम बात करते हैं ऐसे, ये तो दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं, जो या तो मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हुए हैं और या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी से शुरू हुए हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस की, जो हमारे प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल हाउ से शुरू हुए हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये काहे शुरू हुए हैं, हाउ से। जब आप वहां देखेंगे तो हाउ को रिमूव किया जाता है, जब असर्टिव में कन्वर्ट किया जाता तो हाउ रिमूव कर दिया जाता, उसकी प्लेस पे हाउ को किसी दूसरे वर्ड में चेंज नहीं किया जाता। यहां पे सेंटेंस हम देखेंगे तो पाते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहां पे जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ वो अफर्मेटिव में है, या यूं कह लो पॉजिटिव में है। अगर ये निगेटिव में होता तो असर्टिव वाला सेंटेंस हमें पॉजिटिव में बनाना पड़ता, लेकिन इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव है, इट मींस
जो असर्टिव का सेंटेंस हम बनाएंगे वो निगेटिव में ही बनाना होगा। तो जब सेंटेंस देखते हैं तो हम पाते हैं हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात उसका दूसरे भाव में या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात उसका भाव होता है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में, तो जैसा कि आपको पता है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटेंस हमारा जब असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो निगेटिव में हमें बनाना होगा। निगेटिव में क्या बनेगा, वी कैन नॉट सॉल्व, हम निगेटिव में चेंज करेंगे इसको, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट सॉल्व, वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस जो हमारा है इंट्रोगेटिव का, वो कन्वर्ट हुआ है असर्टिव में, और असर्टिव में भी अफर्मेटिव में कि निगेटिव, तो ये डिपेंड करेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टाइप का है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव का है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, तो उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव में, और अगर वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसको असर्टिव में चेंज करने के लिए हमको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होगा। यहां पे चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव था, सॉरी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था, तो उसको हमने असर्टिव में निगेटिव के रूप में तब्दील कर दिया है, निगेटिव में चेंज कर दिया। तो सेंटेंस क्या बना, वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब हाउ से ही एक दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें भी सेंटेंस तो हाउ से ही शुरू हुआ है, लेकिन यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इट मींस जब इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तब इसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो यह सेंटेंस हाउ कैन ही नॉट मिसलीड एनीवन, सेंटेंस के भाव हम देखें तो हाउ कैन ही नॉट मिसलीड एनीवन, वो कैसे किसी को मिसलीड नहीं कर सकता, वो कैसे किसी को गुमराह नहीं कर सकता, वो कैसे किसी को गुमराह नहीं कर सकता, अर्थात वो हर व्यक्ति को गुमराह कर सकता है। जब इस सेंटेंस को हम असर्टिव कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हम पाते हैं कि दिया गया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव में है। इट मींस असर्टिव का सेंटेंस हमें अफर्मेटिव कह लो, चाहे आप कह लो पॉजिटिव में तब्दील करना है। तो इस सेंटेंस को जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही कैन मिसलीड एनीवन। हाउ रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया गया है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही कैन मिसलीड, He can mislead. He can mislead anyone. He can mislead anyone. और इस तरीके से दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में था, उसको जब हम असर्टिव में तब्दील किए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, या यूं कह लो अफर्मेटिव में तब्दील हो गया। सेंटेंस क्या बना, ही कैन मिसलीड एनीवन, वो किसी को भी मिसलीड कर सकता है, और असर्टिव में तब्दील भी हुआ सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव से सेंटेंस असर्टिव में तब्दील हो गया। लेकिन अगर भाव आप देखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस के भाव आपको एक तरह दिखाई देंगे या सेम दिखाई देंगे। तो यह तो बात हुई ऐसे सेंटेंसेस की जो हाउ से शुरू होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो क्वेश्चन वर्ड व्हेन से शुरू होते हैं। तो जो व्हेन से शुरू होते हैं, आप देख पा रहे हैं व्हेन वाले सेंटेंसेस को जब असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो व्हेन को हम नेवर में तब्दील कर देते हैं, या व्हेन को हम नेवर में चेंज कर देते हैं। तो जैसे सेंटेंस दिया गया है, व्हेन कैन द पैट्रियार्क डाई, व्हेन कैन द पैट्रियार्क्स डाई, अर्थात पैट्रियार्क जो देशभक्त होते हैं वो कब मरते हैं, देशभक्त कब मरते हैं,
अर्थात देशभक्त कभी मरा नहीं करते, देशभक्त तो हमेशा के लिए अमर हो जाया करते हैं। तो अगर सेंटेंस के भाव देखें तो व्हेन कैन द पैट्रियट्स डाई, पैट्रियट्स देशभक्त कब मरते हैं, जवाब मिलेगा हमको। भाव अगर इसका निकालें तो इसका मतलब है पैट्रियट्स कभी मरा नहीं करते। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम पाते हैं कि अफर्मेटिव में है, इट मींस असर्टिव का सेंटेंस हमें निगेटिव में तब्दील करके लिखना होगा। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में तो हम पाते हैं कि सेंटेंस हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, असर्टिव का सेंटेंस हमारा निगेटिव में बनना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पैट्रियट्स, द पैट्रियट्स, द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई, द पैट्रियट्स कैन, द पैट्रियट्स कैन। अब चूंकि व्हेन जो है वो किसमें तब्दील किया जाता है, नेवर में, तो इस व्हेन को हम यहां किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नेवर में। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई, कैन नेवर डाई, द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई। और इस तरीके से दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है असर्टिव में। क्योंकि दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पाते हैं कि अफर्मेटिव में है, इसलिए जो असर्टिव का सेंटेंस कन्वर्ट किया गया है वो है निगेटिव में। यहां पे नेवर जो वर्ड है वो निगेटिव को प्रेफर करता है, निगेटिव को रेफर कर रहा है सेंटेंस। तो यहां पे यद्यप नॉट आपको नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं। तो द पैट्रियट कैन नेवर डाई, पैट्रियट कभी मरा नहीं करते, और इस तरह दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में तब्दील हुआ। अगर बस सीधा सा फंडा है आपके पास कि अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस निगेटिव में है तो असर्टिव बनेगा अफर्मेटिव में, और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो असर्टिव को बनेगा निगेटिव में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि व्हेन कैन दे आर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन दे आर ग्लोरी फेड। अब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में, क्योंकि ये दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है और ये भी अफर्मेटिव में है, इट मींस जो असर्टिव का सेंटेंस हम बनाएंगे वो बनेगा आपका निगेटिव का। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे आर ग्लोरी, सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे आर ग्लोरी, their glory can never fed, can never fed, their glory can never fed। और इस तरीके से दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में तब्दील हो गया है और दिए गए सेंटेंसेस के भाव भी सेम। तो ये हमने देखा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के होते हैं, या ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत या तो हाउ से होती है या व्हेन से होती है। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो या तो व्हाट से शुरू होते हैं और या फिर हु से शुरू होते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव के जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड व्हाट से होती है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल दिया गया है कि व्हाट इज नॉट यूजफुल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में क्या यूजफुल नहीं है। तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव में है, इट मींस जो सेंटेंस आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है उसे आप पॉजिटिव कह लो या अफर्मेटिव में चेंज करके लिखेंगे। तो व्हाट इज नॉट यूजफुल इन दिस वर्ड, इसको जब हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करके असर्टिव में लिखेंगे या असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो असर्टिव का सेंटेंस एब्सोल्युटली पॉजिटिव कह लो या अफर्मेटिव में लिखा जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि एवरी थिंग इज यूजफुल, एवरी थिंग, एवरी थिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। अब एवरीथिंग इज यूजफुल, एवरीथिंग इज यूजफुल,
इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज यूजफुल इन दिस वर्ल्ड। आप देख पा रहे हैं कि आपको व्हाट को कहा गया था, या तो नथिंग में कन्वर्ट करना है या तो फिर एवरीथिंग में। तो नथिंग में कब कन्वर्ट करना है कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा और असर्टिव आपको बनाना होगा तो व्हाट को आपको नथिंग में कन्वर्ट करना होगा। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आपका निगेटिव में है, इसलिए व्हाट को किस में कन्वर्ट किया गया है, एवरीथिंग में। तो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जो निगेटिव है, इसलिए उसको एवरीथिंग में कन्वर्ट किया गया है असर्टिव बनाते समय। जब इस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में तब्दील किया गया तो वो चेंज होगा अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, तो उसमें व्हाट को एवरीथिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब दूसरा सेंटेंस हम पाते हैं कि इंट्रोगेटिव का ही है लेकिन ये निगेटिव ना हो करके अफर्मेटिव है, इट मींस असर्टिव का सेंटेंस हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा। और जब असर्टिव का सेंटेंस हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसी व्हाट को, ऊपर तो आपने एवरीथिंग में चेंज किया है लेकिन यहां पे आप इसी व्हाट को नथिंग में चेंज कर सकते हैं। तो जब इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करके लिखेंगे निगेटिव के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस क्या बनेगा, फ्रेंडशिप इज नथिंग। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज फ्रेंडशिप बट अ नेम। ये फ्रेंडशिप क्या है, कुछ नहीं, केवल सिर्फ नाम की है बस, या सिर्फ एक नाम है बस फ्रेंडशिप और कुछ नहीं। तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में तो सेंटेंस आपको निगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे आप, फ्रेंडशिप इज नथिंग, फ्रेंडशिप इज नथिंग फ्रेंडशिप इज नथिंग बट अ नेम। और इस तरह से दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है असर्टिव में, और असर्टिव में भी किसमें, निगेटिव में। असर्टिव में भी, क्योंकि असर्टिव के अंतर्गत दोनों सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तो ये असर्टिव में या असर्टिव के अकॉर्डिंग इसको निगेटिव में चेंज किया गया। क्यों निगेटिव में चेंज किया गया, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में है या पॉजिटिव में है, इसलिए असर्टिव का सेंटेंस निगेटिव में चेंज किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जगह तो व्हाट को एवरीथिंग में कन्वर्ट किया गया, एक जगह व्हाट को एवरीथिंग में कन्वर्ट किया गया, लेकिन दूसरी जगह व्हाट को आप पाते हैं निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए कहा गया था कि हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो व्हाट आपने देखा कि किस कंडीशन में व्हाट को नथिंग में कन्वर्ट करते हैं और किन कंडीशंस में व्हाट को ही आप एवरीथिंग में कन्वर्ट करते हैं, यह डिपेंड करेगा दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। कि अगर दिया गया इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो व्हाट को आप कन्वर्ट करेंगे नथिंग में, और अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस निगेटिव में है तो व्हाट को आप कन्वर्ट करेंगे एवरीथिंग में। अब हम आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव जिनकी शुरुआत हु से होती है। तो आप देख पा रहे हैं हु को भी आप एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, नो वन, नोबडी, कई वर्ड में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हु को। तो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि किन कंडीशन पर हु को एवरीथिंग में और किन कंडीशन पर हु को नन या नोबडी में चेंज करते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो निगेटिव का दिया है, इट मींस असर्टिव का सेंटेंस आपको बनाना है अफर्मेटिव या यू कह लो पॉजिटिव में। तो उस कंडीशन में सेंटेंस क्या बनेगा, हु डज नॉट नो सरदार पटेल, कौन नहीं जानता सरदार पटेल को, अर्थात एवरीबॉडी नोज सरदार पटेल, हर व्यक्ति जानता है सरदार पटेल को। तो हु को हम कन्वर्ट करेंगे एवरीबॉडी, और चाहो तो आप एवरीबॉडी कर लो, चाहे आप एवरीवन भी कर सकते हो। एवरीबॉडी, अब हु को आपने कन्वर्ट कर लिया एवरीबॉडी में, उसके बाद क्योंकि यहां डज नॉट था तो हम नो के साथ एस लगाएंगे, एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज किसको, सरदार पटेल, एवरीबॉडी नोज सरदार पटेल।
सरदार पटेल। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है असर्टिव में। तो आप देख पा रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस निगेटिव में होगा, जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो असर्टिव बनाते समय पहली बात तो असर्टिव बनेगी अफर्मेटिव में, और असर्टिव बनाते समय उसी हु को एवरीबॉडी में कन्वर्ट किया जाएगा। अर्थात जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो हु को कन्वर्ट किया जाएगा एवरीवन में या एवरीबॉडी में। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन कि कब उसको नन या नोबडी में कब कन्वर्ट करते हैं, कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तब जब आप उसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, और उस कंडीशन में आप हु को नन में, नोबडी में या नो वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो दूसरा अगला सेंटेंस है एग्जाम्पल का इंट्रोगेटिव का, वो है हु हैज सीन द विंड, किसने देखा हवा को, हवा को आखिर किसने देखा, अर्थात हवा को किसी ने नहीं देखा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है। अब इसको असर्टिव में बनाने के लिए हम इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और जब इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हु को हम कन्वर्ट कर देंगे या हु को हम रिप्लेस कर देंगे किसकी प्लेस पे, नोबडी की प्लेस पे या नो वन की प्लेस पे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, नोबडी हैज सीन द विंड या नन हैज सीन द विंड, नोबडी एवरीबॉडी की प्लेस पे अब क्या हम यूज कर रहे हैं, नोबडी, नोबडी आप चाहें तो यहां नन भी यूज कर सकते हैं, नोबडी हैज सीन, नोबडी हैज सीन द विंड, सीन द विंड। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव में था, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, उसको असर्टिव में बनाते हुए निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहां नोबडी जो है ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, अर्थात दिया गया सेंटेंस असर्टिव का निगेटिव में तब्दील हो गया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, हु कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है। तो यहां पे देख पा रहे हैं हम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो फिर एक बार अफर्मेटिव में है, जैसा ऊपर दिया गया है। ये वाला हु वाला सेंटेंस तो निगेटिव था तो एवरीबॉडी में चेंज कर दिया गया, लेकिन आगे के दोनों सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट होते हैं और वो दोनों इंट्रोगेटिव के साथ साथ अफर्मेटिव हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो निगेटिव कन्वर्ट करेंगे। और निगेटिव के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आप नन यूज कर सकते हैं, नो वन यूज कर सकते हैं, नो बडी यूज कर सकते हैं। जैसे हु कैन काउंट द स्टार्स, काउंट स्टार्स को काउंट कर सकता है, तो नन कैन काउंट द स्टार, कोई भी स्टार को काउंट नहीं कर सकता। तो यहां पर हु को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, नन में। नन आप कह ले चाहे आप नो वन भी कह सकते हैं, नन कैन काउंट द स्टार्स, नन कैन काउंट द स्टार्स, नन कैन काउंट, नन कैन काउंट द स्टार्स, द स्टार्स। और इस तरीके से दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में कन्वर्ट हुआ है। तो अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो व्हाई से शुरू होते हैं। तो वो सेंटेंसेस जो व्हाई से शुरू होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाई को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहने दिया जाता। तो व्हाई को किसमें कन्वर्ट किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस के लिए, जैसे यहां पे दिया गया सेंटेंस, व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, अर्थात नॉवेल को पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करना, यह नॉवेल पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करना। तो दूसरे शब्दों में अगर ये बात कही जाएगी तो इसका मतलब होगा असर्टिव में कि यह बड़ी बेवकूफी है, या नॉवेल पढ़ने में समय बर्बाद करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। बस तो इस सेंटेंस को हम व्हाई को ही कन्वर्ट कर देंगे, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, व्हाई को किस में कन्वर्ट किए दे रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश। और वेस्ट, चूंकि ये मेन वर्ब थी
अब इसी वर्ब को हम इन्फिनिटिव बना ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे फुलिस हम वर्ब यूज कर चुके हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिस, ये बड़ी बेवकूफी है। और ये जो वेस्ट है, बर्बाद करना, ये जो पहले सेंटेंस में तो ये मेन वर्ब का काम कर रही थी, लेकिन अब इसी वर्ब को हम इन्फिनिटिव यूज कर ले रहे हैं या इसी को हम इन्फिनिटिव बना दे रहे हैं। कैसे? बाय यूजिंग टू। टू वेस्ट, टू वेस्ट टाइम इन, टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, इन रीडिंग नॉवेल्स, टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, इन रीडिंग नॉवेल्स। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस जो व्हाई से स्टार्ट हुआ है वो भी कन्वर्ट हो गया है असर्टिव में। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनके माध्यम से देखा हमने कि कैसे हम दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट में आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात कि अगर दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो असर्टिव अफर्मेटिव बनेगा, और अगर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है तो असर्टिव निगेटिव बनेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको रिमाइंड करना है कि इन वर्ड्स को होने पर आपको इन वर्ड्स को किन वर्ड्स में तब्दील करना है या किन वर्ड में रिप्लेस करना है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।